हेलो फ्रेंड्स, माईसेल्फ अंकिता डिम्मर फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किल्ला पार्डी, चैप्टर 11 एलजिब्रा। ओके, एक्सरसाइज 11.3 में हम क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 हमें किया था। ओके, आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 हम कंटिन्यू करेंगे। Give expression in the following cases. First क्या है, 11 added to 2m. तो यहाँ पे add यानी addition करना है, add to 2m यानी 2m plus 11 होगा ना। Okay, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 11 add to 2m यानी हमें 2m को यानी ऐड करना है, 2m प्लस 11। नेक्स्ट क्या है, 11 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2m, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है, यानी 2m माइनस 11। ओके, थर्ड क्या है, 5 times y यानी मल्टीप्लिकेशन, 5y होगा। ओके, 5 टाइम्स y, 2 which 3 is added, ये 5 टाइम्स 2 का मल्टीप्लिकेशन 5y होगा और हमें ऐड करना है 3 के साथ। ओके, 5y प्लस 3। ओके, नेक्स्ट है हमारा 5 टाइम्स y यानी मल्टीप्लिकेशन 5 का y के साथ, फ्रॉम which 3 is subtract यानी माइनस करना है, 5y माइनस 3। समझ में आ रहा है ना, इजी है। नेक्स्ट क्या है, y is multiplied by माइनस 8, हमें माइनस 8 5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस 8y होगा। नेक्स्ट, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 8, y का माइनस 8 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड देन 5 इज एड टू द रिजल्ट, 5 को क्या करना है, एड करना है, माइनस 8 5 का मल्टीप्लाई यानी माइनस 8y और एड हम 5 के साथ करेंगे। ओके, नेक्स्ट, y is multiplied by 5, y को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 16, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 16 यानी माइनस 16 होगा ना। ओके, यानी 16 माइनस 5y, समझ में आया है ना, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 16 माइनस 5y। ओके, आपको ये खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्या है, y इज मल्टीप्लाई बाय माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस 5 का y के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड द रिजल्ट इज एड टू 16 यानी 16 माइनस 5y। ओके, आपको क्वेश्चन 5 में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन 6 पार्ट ए फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग टी एंड 4, यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। यहाँ पे हमें टी एंड 4 का यूज करके एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, और हम ऑपरेशन यूज कर सकते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकाई डिवाइड। ओके, और हमें टी एंड 4 ऑनली यूज करना है। ओके, तो हम एक्सप्रेशन कैसे फाइंड कैसे बनाते हैं, टी प्लस 4 ये टी माइनस 4 भी, 4 माइनस टी भी लिख सकते हैं, 4 टी भी लिख सकते हैं,
टी डिवाइड फोर भी लिख सकते हैं, फोर डिवाइड टी भी लिख सकते हैं। आपको भी ये खुद से करना है ओके। आप फोर एंड टी का यूज करके कोई भी ऑपरेशन ले सकते हो, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, यानी हमें फोर एंड टी का यूज करके ओके एक्सप्रेशन बनाना है। पार्ट बी, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग वाई टू एंड सेवन, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट, यूज ओनली टू नंबर्स एक्सप्रेशन, दिस टूड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन बनाने के लिए y, 2 एंड 7 का यूज करना है, यानी एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट ओके एवरी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे 2y प्लस 7, 2y माइनस 7, 7y प्लस 2, 7y माइनस 2 एंड सो ऑन आप लिख सकते हो ओके, तीनों का यूज करके। और यहाँ पे एवरी ऑपरेशन मस्ट बी हैव y इन इट, ऑपरेशन में एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो उसमें y इन इट ओके, यूज ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन ओके। तो आपको समझ में आ गया हो ना हम किस तरीके से लिख सकते हैं ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 11.8 यूजिंग एक्सप्रेशन प्रैक्टिकली ओके। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस प्रैक्टिकल सिचुएशन इन विच एक्सप्रेशन आर यूजफुल, लेट अस रिमेम्बर सम ऑफ देम। तो हम अगले एक्सरसाइज में नए नए एक्सप्रेशन उसके सीख गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा ना ओके। एलजेब्रा ये चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर ओके। तो एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल नंबर ऑपरेशन का यूज करके हम एक्सप्रेशन बनाते हैं ना ओके। तो यहाँ पे सिचुएशन डिस्क्राइब इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज ओके, वेरिएबल एंड स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन, उसको हम वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं ओके। फर्स्ट क्या है, सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। यहाँ पे सरिता एंड अमीना दो फ्रेंड है, तो यहाँ पे मार्बल्स ज्यादा किसके पास है, सरिता के पास। तो वेरिएबल में ले अमीना हैव x मार्बल, अमीना के पास x मार्बल होगी तब सरिता के पास 10 मोर मार्बल्स होगी ना, x 10 ज्यादा होगी ना, x प्लस 10 मार्बल्स। समझ में आया मैं क्या बोल सकती हूँ, सरिता एंड अमीना दो फ्रेंड है, सरिता के पास ज्यादा मार्बल है तो अमीना हैव x मार्बल, तब सरिता हैज x प्लस 10 मार्बल, ज्यादा होगी x प्लस 10 ओके। नेक्स्ट क्या है, बालू इज 3 इयर्स यंगर देन राजू, यंगर यानी छोटा ओके। तो यहाँ पे बालू छोटा है ना राजू से 3 इयर ओके। तो लेट राजू एज एक्स ईयर होगी तब बालू की एज एक्स माइनस 3 इयर्स होगी ओके। समझ में आता है ना, राजू की एज जब एक्स ईयर होगी तब बालू की एज उसके 3 इयर्स छोटी होगी, यानी एक्स माइनस 3 इयर्स होगी ओके। बिकॉज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू, बिकॉज इज ट्वाइस, ट्वाइस है दुगना, यानी यहाँ पे राजू की एज एक्स होगी तब बिकॉज की एज 2x इयर्स होगी, डबल होगी 2x ईयर होगी ओके। फोर्थ, राजूस फादर्स एज इज 2 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूस एज, राजूस की फादर की जो एज है वो 2 इयर्स मोर देन राजूस एज 3 टाइम्स। तो आपको राजू एज एक्स इयर्स है तब उसकी फादर की एज क्या होगी, 3x प्लस 2 होगी ओके, 3 टाइम्स यानी 3x प्लस 2 इयर्स मोर, 3x प्लस 2
ओके समझ में आता है। राजू की जब एज एक्स होगी तब राजू के फादर की एज 3 times और 2 years मोर 3x+2 होगी। ओके नेक्स्ट लेट अस लुक एट सम अदर सिचुएशन। सिचुएशन डिस्क्राइब इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वेरिएबल स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशन। हाउ ओल्ड बी सुसान बी 5 years फ्रॉम नाउ। जब सुसान की लेट एक्स विद सुसान प्रेजेंट एज इन ईयर्स सुसान की एज एक्स होगी तब 5 years के बाद फ्रॉम नाउ 5 years के बाद एक्स प्लस 5 होगी ना 5 years फ्रॉम नाउ सुसान विल बी एक्स प्लस 5 years ओल्ड होगी। ओके समझ में आया है ना। जब सुसान की एज एक्स होगी यहाँ पे 5 years फ्रॉम नाउ 5 years के बाद उसकी एज बढ़ेगी ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 25 है और 5 years फ्रॉम नाउ 25+5 क्या होगा 30 होगा। ओके यहाँ पे सुसान की एज एक्स है 5 years फ्रॉम नाउ सुसान विल बी एक्स प्लस 5 years ओल्ड होगी। ओके नेक्स्ट हाउ ओल्ड वाज सुसान 4 years एगो। ओके एगो तो यहाँ पे एक्स लेट एक्स विद सुसान प्रेजेंट एज इन ईयर यहाँ पे एक्स जो एज है सुसान की वो प्रेजेंट एज इन ईयर्स यहाँ पे 4 years एगो यानी हम बचपन के थे तब यानी 4 years एगो सुसान वोस यानी एक्स माइनस 4 years ओल्ड होगा एगो। ओके फ्रॉम यानी प्लस 5 होगा एगो यानी माइनस 4 होगा। फ्रॉम यानी फ्यूचर एंड एगो यानी पास्ट हमारा। ओके प्राइस ऑफ वीट पर केजी किलोग्राम इज ₹5 लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस पर केजी ₹20 है तो हमें इस वीट पर केजी ₹5 लेस यानी जब राइस के राइस ₹5 में होगा तब 5 less यानी प्राइस ऑफ वीट पर केजी किलोग्राम इज ₹P-5 होगा। ओके नेक्स्ट क्या है प्राइस ऑफ ऑयल पर लीटर इज 5 times द प्राइस ऑफ राइस पर केजी। 5 times यानी मल्टीप्लिकेशन जब हम लेट प्राइस ऑफ राइस पर केजी ₹P है ऑयल पर लीटर यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन भी के साथ करेंगे 5P 5 times हमें बोला गया है ना इसीलिए 5P। ओके द स्पीड ऑफ अ बस इज 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑन द सेम रोड। यहाँ पे सेम रोड पे बस और ट्रक दोनों चल रही है और बस जो है वो इसकी 10 km/h मोर देन द स्पीड ऑफ अ ट्रक गोइंग ऑफ द सेम रोड। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रक ऑफ 5 km/h दिया है। यहाँ पे बस स्पीड में है ना तो ट्रक है वो 5 km/h है। द स्पीड ऑफ द बस इज ज्यादा है ना 10 km/h मोर देन ज्यादा है यानी y प्लस 10 km/h होगा। ओके ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी डाउट होगा मुझे पूछ सकते हो। ओके ट्राई टू फाइंड मोस्ट सिचुएशन यू विल रियलाइज दैट देयर आर मेनी स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज विच यू विल बी एबल टू चेंज टू स्टेटमेंट्स यूजिंग एक्सप्रेशन with variables. In the next lesson, we shall see how we use these statements using expression for our purpose. तो यहाँ पे हमें इस सिचुएशन में क्वेश्चन की लाइफ किया। ओके ऑर्डिनरी लैंग्वेज
यानी हम नॉर्मल जैसे बात करते हैं ना, ऑर्डिनरी लैंग्वेज नॉर्मल बात करते हैं, तो उसका कन्वर्ट हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में किया ना। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।